उपमंडल नूरपुर के तहत कस्बा जसूर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सांबर कहीं से जसूर के विद्युत विभाग के कार्यालय में आ गया। देखते ही देखते वहां पर लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। कस्बा जसूर के लोगों द्वारा वन विभाग के उत्तराधिकारियों को फोन किया गया। जब इस सारी घटना की सूचना नूरपुर के SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर को चली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सांबर उस समय काफी डर चुका था और इधर उधर भागता रहा। विभाग के कर्मचारियों द्वारा सांबर को पकड़ने की भरपूर कोशिश की गई। सांबर काफी जख्मी हो चुका था। जब मुश्किल से सांबर को पकड़ा तो उस समय सांबर ने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंचे वन विभाग के रेंज ऑफिसर शिवपाल सिंह ने बताया कि एक सांबर विद्युत विभाग के यहाँ कहीं से आ गया है। जैसे ही सूचना मिली उसी समय वन विभाग के कुछ कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि इस इलाके में सांबर काफी है, रात को बारिश वगैरह की वजह से ये यहाँ आ गया। पत्रकारों ने जब पूछा कि इन्हें पकड़ने के लिए कोई ऐसी गन है जिसका प्रयोग किया जाता है, तो जवाब देते हुए शिवपाल सिंह ने कहा कि वो गन हमारे पास है, वो गन किसी गार्ड के पास है। हमें जैसे ही इसकी सूचना मिली तो हमने गार्ड को तुरंत बुलवा लिया। सूचना मिली थी कि एक सांबर जो है इसके बिजली बोर्ड के यार्ड में आ गया हुआ है, तो जैसे ही सूचना मिली हमने लोकल स्टाफ को यहाँ रिपोर्ट किया कि इसको देखें और इसकी क्या स्थिति है। तो ये इस एरिया में वैसे ही लोकल सांबर काफ़ी ही है, तो रात को बारिश बुरिश की वजह से या पता नहीं कैसे ही यहाँ आ गया है। तो अभी ये घायल है, इसको उठा के हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसकी स्थिति क्या, इसके अंदरूनी है चोटें हैं या कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। क्या कर रहे नहीं, ऐसे नहीं देते ना जी, उसको मतलब वेटनरी की सजेशन पे ही देते हैं ट्रैंकलाइज करने के लिए। एक ऐसे जानवर को पकड़ने के लिए उसका गन का भी प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वो आया हमारे पास। तीन घंटे बीत गए तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट क्यों नहीं हो पाया? नहीं, एक्चुअली वो किसी गार्ड के पास थे ना, वो गार्ड का हेडक्वार्टर मंगवाल में, तो उसको जैसे हमें सूचना मिली अकॉर्डिंगली मैंने उसको वहाँ से बुलाया। वो दवाई करने में थोड़ा टाइम लगी गई।